वेलकम बैक, नमस्कार, राम राम। एक बार फिर से हाजिर हूँ लेकर के एक और नई मूवी का रिव्यू। भैया, आज मैंने जो मूवी देखी है, उसको आप सीरीज भी कह सकते हैं क्योंकि उसका सेकंड पार्ट भी आने वाला है, वो मैंने देख के कंप्लीट की है। नाम है उसका डी कंपनी। राम गोपाल वर्मा है उसके डायरेक्टर। और हाँ, एक ही शब्द में उसके बारे में कह सकता हूँ कि ये शुद्ध कूड़ा है। इसमें किसी भी प्रकार की दूसरी चीज़ों की मात्रा नहीं है, ये बिल्कुल प्योर कूड़ा है, बिल्कुल डस्टबिन है ये मूवी, ये सीरीज। मैं शुरू से इसको देखने बैठा, उसके बाद से कहीं भी एक बार भी मुझे ये नहीं लगा कि यार इसमें कुछ अच्छा, कुछ नया, कुछ एक्स्ट्रा या राम गोपाल वर्मा की पुरानी मूवीज की तरह कुछ तो ऐसा देखने को मिलेगा जो एंटरटेनिंग हो। लेकिन बिल्कुल ही ज्यादा निराश हुआ हूँ यार मैं। ये डी कंपनी इतनी ज्यादा भाई याद है कि आप इसका पहला पार्ट नहीं झेल सकते, तो मुझे यही लगता है कि इनको आगे इसके पार्ट्स नहीं बनाने चाहिए, क्योंकि बहुत ही ज्यादा भाई याद है यार। ना कैमरा वर्क ढंग से किया गया है, ना एडिटिंग, सिनेमेटोग्राफी, स्क्रीन प्ले, एक्टिंग, डायलॉग्स, सब कुछ इतने ज़्यादा वाहियात है, इतने ज़्यादा वाहियात है। और इसके अलावा एक कैरेक्टर इसमें दिखाया गया है, उसका जो ड्रेस दिया गया है उसको पहनने के लिए, उसका जो कॉस्ट्यूम दिया गया है, उसमें इतनी बड़ी एक लोहे की चेन लगाई गई है, यहाँ से यहाँ तक वो राउंड होकर दो बार आती है। और पूरी डी कंपनी देखने के दौरान उसको सेम कॉस्ट्यूम में देखा है मैंने। यार भाई, क्या दूसरा कपड़ा नहीं तुम लोगों के पास में इसको बंदे को पहनाने के लिए, या बहुत खतरनाक दिखाने के लिए उस बंदे के यहाँ पे कुछ भी जोड़ दोगे, तुम लोहा पहना दोगे, अगले बंदे को कवच पहनाने लग रहे हो। यार क्या चल रहा है पूरी इस मूवी के दौरान समझ में ही नहीं आ रहा था। तो चलिए स्टार कास्ट के बारे में बात करेंगे, मूवी आगे कैसी है, कहानी किसके बारे में, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको समय पर मिलते रहे। सबसे पहले बात कर लेते हैं स्टार कास्ट के बारे में। तो आपको देखने को मिलेंगे अश्वथ कांत, जो कि दाऊद इब्राहिम का रोल प्ले करते हैं। रुद्रकांत देखने को मिलते हैं, उन्होंने दाऊद के भाई का रोल प्ले किया है। इसके अलावा आपको नैना गांगुली, इरा मोर, आपको और बहुत सारे ऐसे लोग बाग को मिलेंगे जिन्होंने इसमें अभिनय किया है। अभिनय तो क्या किया है, सिर्फ अभिनय करने का भी अभिनय किया है, किसी ने भी अच्छी एक्टिंग नहीं की है। वो राम गोपाल वर्मा जिसने मनोज वाजपेयी दिया बॉलीवुड इंडस्ट्री को, वो राम गोपाल वर्मा जिसने अनुराग कश्यप जैसा डायरेक्टर दिया बॉलीवुड इंडस्ट्री को, वो राम गोपाल वर्मा जिसने सत्या, रंगीला और शिवा जैसी मूवी बना करके दी बॉलीवुड इंडस्ट्री को, उसने ये कचरा बनाया है, आप बिलीव नहीं कर पाएंगे। बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा करने के चक्कर में एक बिल्कुल ही घटिया प्रोडक्ट आपके सामने आ चुका है। मैं यही चाहता हूं कि सभी लोग इससे दूर रहें। वैसे तो इसमें दाऊद की कहानी दिखाने की कोशिश की गई है कि 1980 के दशक में दाऊद ने कैसे इस तरह के काम चालू किए, गलत काम चालू किए, कैसे वो डॉन बनता चला गया, उसने क्या क्या क्राइम किए, किन किन लोगों के साथ में रहा, तो उसकी जीवन यात्रा को दिखाते हुए ये फिल्म होनी चाहिए थी। लेकिन ये उतनी अच्छी नहीं है यार, पता नहीं क्या ही ये लोग दिखाना चाह रहे थे। सबसे ज़्यादा घटिया चीज़ लगेगी आपको कैमरा वर्क और बैकग्राउंड साउंड। राम गोपाल वर्मा अपने अटपटे कैमरा वर्क के लिए तो जाने ही जाते थे, लेकिन फिर भी उनको अच्छी मूवीज़ के जरिए झेल लिया गया। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट उन्होंने मूवी मेकिंग के दौरान किए, लेकिन अब ये कुछ बहुत ज़्यादा हो रहा है। पिछले काफ़ी समय से राम गोपाल वर्मा की कोई भी मूवी नहीं चल रही है, तो इस मूवी से, इस सीरीज से दूर रहे, यही कहना चाहता हूँ सभी लोगों से। यार इसमें नया कुछ नहीं है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, बिल्कुल सरदर्द है, कबाड़ा है। एक भी सीन, शुरुआत का अगर एक सीन ले लिया जाए जिसमें एक लंबा पूरा सीन दिखाया गया है बिना सीन को कट किए गए, वो सीन आपको ठीक ठाक लगता है, इसके बाद में पूरी स्क्रीन पर पता नहीं क्या आ जाता है यार, बहुत अजीबोगरीब फॉन्ट के साथ में, राम गोपाल वर्मा की आवाज़ में 15-20 मिनट तक वो गाथा चलती ही रहती है, आपको समझ में नहीं आता कि ये शुरू कब होगी। तो खैर, आज के लिए बस इतना ही। तो जुड़े रहिए मेरे YouTube चैनल से और इस डी कंपनी से दूर रहें। बाकी कोरोना काल चल रहा है तो खुद का और अपने परिवार का ध्यान रखें, टीकाकरण से दूर ना भागें, टीकाकरण जरूर करवाएं। मैंने अपना टीकाकरण करवा लिया है, फोटो में आप देख सकते हैं मैंने टीका लगवा लिया है। मेरे एक दर्शक ने लिखा था कि यार आपने टीका लगवाया है नहीं, तो भाई देख लो, प्रूफ है मैंने टीकाकरण करवा लिया है। तो ऐसी अफवाहों से दूर रहें जो कि टीकाकरण के लिए आपको हतोत्साहित करती है। टीकाकरण अच्छी चीज़ है, तो अगर आपको मौका मिलता है, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, तो डेफिनेटली टीकाकरण करवाएं। बाकी अपने अपने घरों में रहें, सेफ रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, वंदे मातरम।